महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्याज का दाम खुशखबरी लेकर आया है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक सूबे की मंडियों में इसका थोक दाम 4,393 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। यह इस सीजन का सबसे अधिक मूल्य है। अब किसानों को उम्मीद है कि दाम में और तेजी आएगी, जिससे उनके घाटे की भरपाई होगी। भारी बारिश से ज्यादातर जिलों में किसानों की प्याज की फसल 40-50% तक सड़ गई है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव में 13 अक्टूबर को इसका अधिकतम दाम 4,134 रुपए था, जबकि न्यूनतम दाम 1,200 रुपए और मॉडल प्राइस 3,350 रुपए क्विंटल रहा। सबसे ज्यादा दाम पिंपलगांव मंडी में रहा, जहां न्यूनतम दाम ही 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि अधिकतम दाम 4,393 रुपए और मॉडल दाम 3,800 रुपए रहा। मार्केट के जानकारों का कहना है, यह तो रेट नवरात्र का है, जब प्याज की खपत सामान्य तौर पर कम रहती है। शुक्रवार से इसमें और तेजी हो सकती है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का मानना है कि इसकी बड़ी वजह बारिश और बाढ़ है, जिसकी वजह से कई जिलों में अप्रैल मई में स्टोर करके रखी गई प्याज सड़ गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और लातूर आदि में रखी गई प्याज बाढ़ और अति बारिश से भीग कर खराब हो गई है, जबकि नासिक, अहमदनगर, धुले, सोलापुर और जलगांव में नमी की वजह से काफी किसानों की प्याज सड़ गई है, जिसकी वजह से दाम में तेजी देखने को मिल रही है। जब बड़े पैमाने पर नुकसान होगा तो मांग और आपूर्ति में अंतर दिखेगा और दाम बढ़ जाएंगे। भारत दिगोले की माने तो किसानों को बारिश और बाढ़ की वजह से अपनी पुरानी रखी हुई प्याज बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्याज सड़ रही है, जिससे लेबर लगाकर उसकी छटाई की जा रही है। ऐसे में अब अगर महाराष्ट्र के किसानों को 50-60 रुपए तक का रेट नहीं मिला तो उनके घाटे की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्याज का थोक रेट बढ़ने से किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि प्याज सड़ने से उनका पहले ही लाखों का नुकसान हो चुका है। वहीं प्याज उत्पादक यूपी और बिहार में भी प्याज पर मौसम की मार पड़ी है। ताऊते और यास तूफानों की वजह से यहां प्याज की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इन प्रदेशों में काफी प्याज खेतों में ही सड़ गई थी। इन हालातों की वजह से इस साल दाम और बढ़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।